यूथ वीरांगनाएं इकाई हिसार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे के अवसर पर कैंप चौक पर एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें वीरांगनाओं ने बच्चों को शिक्षा के बारे में जागरूक करते हुए समझाया कि शिक्षा उनके लिए अत्यंत जरूरी है तथा शिक्षा में आगे बढ़ने के साथ साथ उन्होंने प्रत्येक कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के भी टिप्स दिए। इसके साथ साथ कोरोना महामारी से भी बचे रहने के लिए बच्चों को घर में ही रहकर पढ़ने व खेलने की सलाह दी। सेमिनार के बाद बच्चों को स्टेशनरी व मास्क वितरित किए गए। यूथ वीरांगना वीना ढींगड़ा का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए बहुत अहम है, अतः वीरांगनाएं बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने में हमेशा अग्रसर रहती हैं। इस अवसर पर यूथ वीरांगनाएं कृष्णा, आशा, किरण, वीना, रजनी, पूजा, गरिमा, पूजा वधवा, स्वाति, शीनू व अन्य मौजूद रही। बचा सकता है, वो चिल्लाता भी तो क्या करता, चिल्लाते भी उसके पास कोई ना आता, तो उसने 6 साल वाले बच्चे ने दिमाग लगाया, वहाँ पर एक रस्सी और एक बाल्टी रखी थी, उसने क्या किया, वो रस्सी और बाल्टी को ना उस कुएं के अंदर गिर दिया। और अब क्या हुआ, अब वो अपने फ्रेंड को बोला उसने कि आप ना इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं आपको खींचूंगा। आप सोचो 6 साल वाला बच्चा 6 साल वाले बच्चे को नहीं उठा सकता, तो क्या 10 साल वाले बच्चे को उठा पाएगा? आप हम अपने बराबर के बच्चे को नहीं उठा सकते। एक उठाना अलग चीज है, एक रस्सी से खींचना वो अलग है, तो कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता, कर सकता है। उस 6 साल वाले बच्चे को, 10 साल वाले बच्चे को बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला, क्यों निकाला? अब वो दोनों जैसे वो बाहर आ गए, वो दोनों बहुत खुश हुए। अब वो खुश होकर अपने गांव में गए, वहां पर ना जैसे आप सब बैठे हो वहां पर भी सब बैठे थे, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये बच्चा अंदर गिर गया था और हमने इसे बाहर निकाला। तो फिर पता है गांव में सारे हंसने लगे उन बच्चों पे कि कैसे बाहर निकाला, 6 साल वाला बच्चा 6 साल वाले को नहीं उठा सकता, जैसे 10 साल वाले को उठा लिया, ऐसे कैसे हो गया? सारे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था उनकी बातों पे। तो फिर वहां पर एक और पर्सन था, उसने क्या बोला कि आप ये मत देखो इस बच्चे ने इस बच्चे को बाहर कैसे निकाला, आप ये देखो इसने अपने फ्रेंड को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि 6 साल वाला बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि वो ये काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा हमें। तो वो 6 साल वाले बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपना काम किया, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड को बचाना था। तो आप भी जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, मैं मानती हूँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें ये याद नहीं होता, उसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको कैसे याद कर सकते हो? जानना चाहोगे? पता क्या किया करो, जब आपको कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो, आप उस क्वेश्चन को ना याद करके 3 बार 4 बार लिख लिया करो बुक पे, ठीक है? उसके बाद क्या करो, वो एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार दोपहर को पढ़ लो, एक बार रात को, ऐसे ही आप एक हफ्ते तक उसको पढ़ते रहो। और जब एक हफ्ते बाद आप उस क्वेश्चन को याद करोगे ना और आप लिखने बैठोगे, तो आपके माइंड में वो पेज आपके सामने खुला होगा, जिस पेज पे आपने कॉपी में लिखा हुआ था ना, आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। हिसार से श्याम सुंदर सरदाना की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।